ये रही शरद यादव और ओकर बरवाही। अतका लंबा कविता सुनाइस, एक बार इसने एक लंबा कविता सुनाइस और मुख्य अतिथि आ रहे थे मर गए कविता सुना सुना। एक ऊपर हत्या के धारा लग 300 धारा तो के तहत एक ऊपर केस चलीस। जज कहीस तोला फांसी की सजा हो है, तोर कविता सुन के एक आदमी मर गए है, बता तोर अंतिम इच्छा का है। तो यादव कहत वही कविता तुम लोग सुनाते हैं जज साहब कहत। बहुत अच्छा काव्य पाठ करीस यादव जी के सम्मान में, बढ़िया घनघोर ताली बजा दो। हास्य के बड़े नाम है, पूरा छत्तीसगढ़ में प्रख्यात नाम है। और आप ला एक अच्छा जानकारी बताता हूँ कि यादव जी बहुत मेहनत से छत्तीसगढ़ी शब्द कोश के एक प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सका था, वो यादव जी के बनाए। छत्तीसगढ़ शासन जिला ओकर ये योगदान के लिए ओला राजकीय सम्मान से सम्मानित करे, ऐसे यादव जी आपके बीच आए। काय बहुत गोटकार आदमी महाराज मन के बहुत बात करते, इसे हम जितेन तिवारी जी के तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं। अभी बिर्रम आए तो बहस हो गए, कहते महाराज अब ये कहते मैं पंडित आदमी तोला ज्यादा जान था यादव जी, कहते तुम वाला कहे ज्यादा जानिया, कहते मैं तुम्हारा कम नहीं जाना, कहते तो कैसे मैं ज्यादा जान था लेवत बतावा, कहते था तिवारी जी, कहा मैं तोर हाथ ल देख के तोर भविष्य बता दो। तो यादव कहा मैं गोबर ल सुन के गरुआ कुमार बता देता। कहा बहुत गोटकार आदमी, एक बार हमन बस में जाता है रायपुर, मैं कहता यार तैं ज्यादा मत बात करे कर बहुत गोठिया था। दो आदमी लड़ाई हो गए सीट पर, मैं मारे हैं तोर 32 दांत तोड़ दहा कहा थी, दूसरा कहा मैं मारे तो 64 दांत तोड़ दहा कहा थी। तो ये यादव बीच में, मैं चुप करा था ताले, हाँ का सुन तो कहा मुँह 32 ठन दांत होते तैं 64 कतिल तोड़ दार बे कहा थी। ओ कही मैं जानत रहे बाबू तैं बीच में गोठिया बे 32 तोरो गिनदार रहे। तो सुनाना है हमें इतना कि कुछ भी छूट न जाए, सुनाना है हमें इतना कि कुछ भी छूट ना जाए, बस ध्यान रखना है सब्र आपका टूट ना जाए, भले सारी दुनिया रूठे तो रूठे कोई गम नहीं, बस ध्यान रखना है तिवारी जी रूठ ना जाए। बढ़िया आप मन सुना था। अब हमार पीछे कऊ कवि बांच गए, ओला देखा था तो ऐसे बेचारा बैठे जिसे घर वाले झगड़ा हो गया है, बिल्कुल हंसत नहीं है। का है एक बेटा का रिजल्ट है, ये पहली कदरी से कश्यप का नाम ईश्वर, ये पहली कदरी से देखते हैं पास नहीं होबे ना तो मोला बाप मत कही बे कहा थी। एकर बेटा का रिजल्ट इस कैसे रे तोर का रिजल्ट होइस, कहते छोड़ ना ईश्वर भाई यार का जान के का करबे। एक जनो एकर बेटा का रिजल्ट इस तो कहते बताए, ये फिर पूछा थोला तोर रिजल्ट का होइस रे, कहते तो सरपंच रीत कर हेबे तेकर बेटा फेल हो गएगा कहा थी। तैं पास हुए है और डॉक्टर के बेटा भी फेल हो गए कहा थी। अरे तैं पास हो नहीं बेवकूफ, और विधायक के बेटा तक फेल हो गए था कहा थी। अरे बेवकूफ तैं पास हो कि नहीं, तो तैं कोनो प्रधानमंत्री है कहा थी, तोरो बेटा निपट गए कहा थी। ये हमार कश्यप जी, पतीली से पीली अब लोटे की बारी है, तो पतीली से पीली अब लोटे की बारी है, पतले कवियों को आपने सुन लिया अब इस मोटे की बारी है। मौला नीला अतरत के शायद ईश्वर जी बहुत कम मंच में आए हैं, लेकिन अनिल अतरत के एक शेर याद आते कि अभी तो चाक पर जारी है रक्स मिट्टी का, कि अभी तो चाक पर जारी है रक्स मिट्टी का, अभी कुम्हार की नियत बदल भी सकती है। अरुणिमा के चार पंक्ति के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, और अभी अभी लांघा इसने समुन्दरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जोरदार ताली बजाओ करिए ईश्वर कश्यप जी।